हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ चिड़ियाघर यानी नेशनल जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों मैंने आपको किले तो काफ़ी दिखा दिए, मैंने सोचा आज कहीं और चलते हैं, तो इसलिए मैं आज ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क आया हूँ। और मैं ऐसे ही नहीं आया, आज मेरा कज़न ब्रदर भी आया है मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा छोटा भाई। तो अगर इसकी यहाँ की टिकट की बात कर ली जाए दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी जो कि 80 रुपीज़ की आती है। वैसे अलग अलग टिकट्स के अलग अलग मतलब अलग अलग फेयर्स के अलग अलग चार्जेस हैं। तो मैंने टिकट ऑनलाइन ले ली थी, तो मैं सीधा आपसे मिलता हूँ चिड़ियाघर के अंदर। और ये मेरा एक और छोटा भाई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ट्रिप। एक बार सामने से एक लुक ले लेते हैं इधर। यह है हमारा नेशनल जूलॉजिकल पार्क और यहाँ से होकर हमने एंट्री ली है। ये देखिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नेशनल जूलॉजिकल पार्क छोटी सी ट्रिप को। आने की तो आपको मेट्रो पकड़नी है और सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। उसके बाद आपको दूसरी मेट्रो पकड़नी है वॉलेट लाइन वाली, जिसमें आपको उतरना है खान मार्केट मेट्रो स्टेशन पे। फिर वहाँ के बाद लगभग 2.1 किलोमीटर ये पड़ेगा। आप चाहो तो ऑटो भी कर सकते हो या फिर पैदल भी आ सकते हो। तो ये है यहाँ का पूरा आने का रूट। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक होती है, तो इसकी ऑनलाइन की टिकट होती है 80 रुपीज़ की। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे बाद में, स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिप। अंदर बबून, टोपीदार बंदर, पाड़ा हिरण, सांबर हिरण, गौर, चीतल हिरण, इन सबको देखेंगे हम एक एक करके। ये देखिए देखिए दोस्तों ग्रीन ट्री, और इससे सट के जो आप देख रहे हैं ना, ये पुराना किला बना हुआ है। ये पुराना किला बना हुआ है दोस्तों, इससे सट के काफी बड़ा है दोस्तों। इसे जूलॉजिकल पार्क लगभग 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा कमेंट में बताना है क्या है, मेरे को तो बता दो। यह है हेमेट्रस बबून। ये काफ़ी दूर है इसलिए मैं वीडियो जूम करके बना रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है आपको ठीक से दिखाई न दे। हॉग डियर्स ये जो देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये सब हॉग डियर्स हैं। ये काफ़ी बड़े एरिया में वैसे इनके, देखिए इनके लिए पहले तो ये जाली लगा रखी है, फिर बीच में गैप है। ये सामने है सांभर। कितने बड़ी सींग हैं इनकी, देख रहे हैं आप लोग। कितने सारे हैं ये, मेरे नाम इनकी आवाज भी सुन सकते हैं आप लोग। ये देखिए तो कितने सुंदर हैं ये। कितने सारे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर हैं और बहुत सारे हैं और बहुत पास में हैं ये सब। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, ये एक तो नीचे आ गया इस तरफ। कितने सारे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा ये अंदर है, अगर बाहर होते तो किसी को छोड़ते नहीं। ये भी एक टाइप का सांड ही है दोस्तों, ये सिर्फ 3 ही है इसके अंदर।
देखिए कितना पास में है। रंगे हिरण यानी कि इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्रो एंटलर्ड डियर। ये देखिए ये काफी दूर दूर है इसलिए मुझे वीडियो जूम करके बनानी पड़ रही है दोस्तों। बहुत सारे हैं ये देखिए, कुछ यहाँ खड़े हुए हैं और कुछ अंदर हैं उसके आराम फरमा रहे हैं। पानी के अंदर पड़ा हुआ है, बस दो ही हैं पूरे में, इसके अलावा नहीं है कोई। पानी में पड़ा हुआ है और कोई अंदर आराम कर रहा है और कोई दूर खड़ा है छांव में, इससे उसकी वीडियो तो मैं बना भी पा रहा हूँ और उसकी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, उसकी मुझे जूम करके बनानी पड़ती है। येलो मकाओ ये देखिए, तीन ईयर है इधर। ये देखिए दोस्तों ये है लाल हरा मकाओ, कितना सुंदर है ये। लेडी एमरेस्ट फीजेंट इसका नाम है। ये देखिए दोस्तों गोल्डन फीजेंट ये देखिए दोस्तों ये है सिल्वर फीजेंट, एक ऊपर है और एक नीचे भी है दोस्तों। पूरे में ये एक ही है दोस्तों, सफेद मोर दोस्तों देखिए। देखिए दोस्तों ये है इजिप्शियन गिद्ध, ये बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखिए गया अब फिर आगे देखिए देखिए दोस्तों ये है ब्राह्मणी चील, ब्राह्मणी काइट। ये देखिए एक ये है एक ये है दोस्तों, सामने से दो हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों ये है काली चील, काली चील है दोस्तों, इसमें ये एक ही है बस। ये है कंकिल मगर यानी मार्श क्रोकोडाइल, एक और भी है लेकिन फिलहाल बस इसी को देख लीजिए, ये अपना मुंह चमका रहा है, बाकी एक तो शायद अंदर ही है, एक अंदर ना दिख रहा। तो मैंने सोचा था कि शेर को देखूंगा मैं, आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन वह तो है ही नहीं। जहाँ पे शेर को रखते हैं वो पूरी जगह देख ली नहीं है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ सो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से तो पुतला लग रहा है मगर है ही असली। आज ये चल ले तो अच्छा है, दोस्तों चलिए कुछ तो अच्छा मिला देखने के लिए, शेर था वो तो मिला नहीं। दोस्तों यह जंगली सुअर यानी कि वाइल्ड बोर, इन इंग्लिश में वाइल्ड बोर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जंगली सुअर। यह भारतीय हाथी अभी तो फिलहाल ही नहा रहा है, एक यहाँ पे है और एक उधर है, वो देखिए दांत आप लोग उसके देख सकते हैं उधर से, एक उधर है
और एक यहाँ आएंगे। इसका मुंह अंदर है दोस्तों, बस यही प्रॉब्लम है। तो शेर उसके अंदर है, गुफा के अंदर है, बाहर नहीं है, सो रहा है। ये इसका बाड़ा है देखिए। शेर इसके अंदर है गुफा के, दिख नहीं रहा। कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर दोस्तों। बाघ इसके अंदर है, आज देखिए आप लोग, हो सकता है थोड़ा थोड़ा दिख जाए। ये देखिए, यहाँ लगा रखी है इधर पूरा, दिख नहीं रही है। देख लेना, जितने भी जानवर हैं सब आराम कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, आराम करने का टाइम है उनके। ये गर्मी का मौसम है, इस वजह से कोई भी बाहर नहीं है, इसीलिए शेर भी नहीं दिखा, जगुआर भी नहीं देख पाए ढंग से, बाघ तो देख ही ना है, कुछ भी नहीं है दोस्तों देखने के लिए। ये है बाघ, कुछ तो देखने के लिए अच्छा मिला दोस्तों। इसका मुंह दूसरी साइड की तरफ है, ये देखे दोस्तों। अरे ये बैठ मत, बैठ मत। अरे मनु ज्यादा नहीं आता, सुरक्षा बाघ रेलिंग को पार करें बाघ से मिले। ये देखिए, चलिए दो चीजें तो अच्छी लगी, एक बाघ और एक ये दूसरा सफेद बाघ, है ना, सुंदर लग रहा है। भी कवर करना था, हमने कवर कर लिया मोस्टली। जितने भी ज़्यादातर जानवर हैं यहाँ पे, वो सब सो रहे हैं, वो भी देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब सो रहे हैं। और अभी हम भी आराम कर रहे हैं, ये देखिए तीनों इधर बैठे हुए हैं। आज के ब्लॉग को यहीं तक था दोस्तों, क्योंकि लगभग पूरा चिड़ियाघर हमने कवर कर लिया। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।